तो फ्रेंड्स, मैं आज मैं बताने वाला हूँ आपको अपने सीसीटीवी कैमरे को मोबाइल पे ऑनलाइन कैसे करेंगे। हम अपने सीसीटीवी कैमरे को मोबाइल पे देख सकते हैं। इस तरह की ऑनलाइन करने की वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूँ और आपको बताऊँगा पूरी अच्छी तरह से। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमें सीसीटीवी ऑनलाइन करने के लिए पहले वाईफाई की ज़रूरत पड़ती है। तो अपना वाईफाई लग रहा होगा। वाईफाई लगाने के बाद इसके लीड को हम कनेक्ट करेंगे यहाँ से इसमें डी वी आर में कनेक्ट करने के बाद हमारा डी वी आर ऑनलाइन हो जाएगा। उसके बाद कुछ ऑप्शन होते हैं, मैं ऑप्शन के बारे में बताऊंगा कैसे किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड सबसे पहले हम अपने ऑप्शन में जाएंगे और मेन मेन्यू को खोलेंगे। मेन मेन्यू खोलने के बाद ओके, तो फ्रेंड्स हम पहले अपने मेन मेन्यू खोलने के बाद नेटवर्क में जाएंगे। नेटवर्क में जाने के बाद ये वाला नेटवर्क का ऑप्शन खोलना है। नेटवर्क में जाने के बाद हम इसको नेटवर्क टेस्ट करते हैं। नेटवर्क टेस्ट करने के बाद ये टेस्ट गेटवे लिखा हुआ आ रहा है, तो यानी कि हमारा डी वी आर अभी ऑनलाइन नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम फिर बैक जाएंगे। ओके तो फ्रेंड्स, हम दोबारा से आएंगे, इसमें नेटवर्क ऑन करेंगे। नेटवर्क ऑन करने के बाद नेटवर्क ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से अपना ये डी एच पी सी ये जो लिखा हुआ है इसको अनेबल क्लिक करेंगे। यहाँ मार्क का निशान लगा लेंगे। मार्क निशान लगाने के बाद हमें नेटवर्क टेस्ट करना है कि नेटवर्क आए कि नहीं डी वी आर में। तो हमने इसको कर दिया। अब लिखा आ रहा है टेस्ट गेटवे ओके, यानी कि हमारा डी वी आर ऑनलाइन हो चुका है। अब उसके बाद हम इसका अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद हम इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर नेटवर्क में जाएंगे हम। नेटवर्क में आने के बाद ये हमारा आ गया, यहाँ से लिखा हुआ है अनेबल, मार्क लगा हुआ है, नेटवर्क स्टेटस बता रहा है कनेक्ट। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो हमारा ये डिवाइस आईडी नंबर है इसको हम स्कैन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इसमें अपने गूगल में जाएंगे, क्रोमा में। क्रोमा जाने के बाद हम अपना प्ले स्टोर खोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, हम अपने प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ से हम XMI XMI ये वाला ऐप है, इसको डाउनलोड करेंगे जो कि मैंने पहले से ही कर रखा है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ओपन करने के बाद आप चाहो तो इसको रजिस्टर्ड कर सकते हो। अगर रजिस्टर्ड नहीं करना है आपको तो आप यहाँ पे जाके नीचे इस वाले को क्लिक कर लें, इसको एग्री कर लें। ओके ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से एग्री कर लेंगे। एग्री करने के बाद ये जो प्लस का निशान है इसको क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद वहाँ जो हमारा डिवाइस, ये जो डिवाइस आईडी है इसको यहाँ से हम स्कैन करेंगे। ये स्कैन हो चुका है और हमारा सीरियल नंबर आ चुका है हमारे डीवीआर का। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से ओके कर देंगे। हमारे कैमरे शो कर दिए इनने। अब यहाँ से हम इसको क्लिक कर देते हैं और ये हमारे सारे कैमरे आ गए, आठ हो गए। हमारा कैमरा आ गया इसके अंदर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से हम इसको हटा देंगे। ओके फ्रेंड्स, जो हमारा स्क्रीन पर शो कर रहा है
वही हमारे इस मोबाइल में शो कर रहा है। आपने देखा कि कितना इजी है इसको ऑनलाइन करना, आप भी कर सकेंगे। ओके सर, ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।